गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय क्लास. दिस वीडियो इज फॉर क्लास 6 एंड टुडे विल कंटिन्यू चैप्टर 11 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड. सो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड फ्यू टॉपिक्स वी हैव फिनिश्ड एंड नाउ विल कंटिन्यू विथ चंद्रगुप्त 2. सो चंद्रगुप्त 2 वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त. So, Samudragupta was succeeded by his son Chandragupta and he ruled between 375 to 415 CE. So, the rule of Chandragupta II started around 375 and ended with 415 CE and he was also known as Vikramaditya. Aur Chandragupta II ko Vikramaditya ke naam se bhi jana jata hai. And he was also a very powerful king of the Gupta dynasty. और ये गुप्ता वंश का बहुत ही powerful, शक्तिशाली सम्राट था. And the Gupta empire reached the height of its glory during his period because he was very powerful. So the empire also reached to its हाइट, मतलब ऊंचाइयों को, शिखर को छुआ गुप्ता एम्पायर ने चंद्रगुप्त 2 के राइन के दौरान, कार्यकाल के दौरान. एंड ही वॉज मैरिड टू नागा प्रिंसेस. और चंद्रगुप्त 2 ने किससे शादी की? नागा प्रिंसेस से, नागा राजकुमारी से. चंद्रगुप्त 2 डिफीटेड द शाक्यास रूलर्स. सो ही डिफीटेड शाक्या रूलर्स, गुजरात, मालवा एंड सौराष्ट्र एंड टुक कंट्रोल ऑफ पोर्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया सच एज ब्रोच एंड सोबारा. सो ही वॉज अ पावरफुल किंग. सो ही डिफीटेड मैनी किंगडम्स, जिसमें से शाक्या रूलर्स को इन्होंने हराया. इसके साथ साथ गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र पे अपना आधिपत्य स्थापित किया, कंट्रोल. इसके अलावा पोर्ट रीजन्स थे पश्चिमी भारत के, जैसे कि ब्रोच और सोपारा, यहाँ भी इनका कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ. नाउ चंद्रगुप्त 2 वाज आल्सो अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर. एक पावरफुल किंग होने के साथ साथ इनको आर्ट और आर्किटेक्चर में भी दिलचस्पी थी. चंद्रगुप्त 2 वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड द 9 जेम्स, 9 रत्न, जिन्हें जिसमें से कालिदास भी एक थे, जो इन्हीं के दरबार में थे चंद्रगुप्त 2 के कार्यकाल के दौरान. उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से कालिदास, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, वो भी इन्हीं 9 रत्नों में से एक थे इनके दरबार में. And Chinese traveler who came from China named Fahian, who came to India during the reign of Chandragupta II, and he wrote about the poets. So Fahian wrote about the poets, the philosophers, and the writers who lived in the court of King Chandragupta II. And Aryabhat. Aryabhat was an astronomer and Varahmihir. Varahmihir was a philosopher and a scientist. They both were also associated with his period of rule. So Aryabhat, जो कि astronomer थे, और Varahmihir जो कि philosopher थे, वो भी चंद्रगुप्त 2 के reign के दौरान ही, उनके शासन के दौरान ही उन्होंने अपने बहुत सारे खोज की या उनके दौरान उनके कोर्ट में थे. नाउ कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त वर अदर फेमस एंड पावरफुल किंग्स. इसके अलावा कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये भी गुप्ता वंश के फेमस और पावरफुल किंग्स हुए. और आफ्टर चंद्रगुप्त 2, चंद्रगुप्त 2 के बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का शासन आया. And around 6th century CE, the decline of Gupta Empire started and this weakened the
Gupta rulers, and the empire vanished by the invasion of the Huns of Central Asia. और इस empire का, इस साम्राज्य का नष्ट कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, किसके आक्रमण के बाद? Huns के. Huns एक tribe थी कहाँ की? Central Asia की, जिनके आक्रमण के बाद गुप्ता empire vanished हो गया. So the next one topic is post Gupta period. So many kingdoms were established in north and south. तो post, जैसे कि गुप्ता period के खत्म होने के बाद post Gupta period आया, जिसमें कई सारे kingdoms established हुए, स्थापित हुए, खास करके उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में. And with the decline of Gupta period, some small kingdoms were constantly at war against each other. क्योंकि गुप्ता वंश काफी बड़ा था और यहाँ पे इस रूल के, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के पतन के बाद कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे, राज्य थे, जो एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे अपना आधिपत्य या अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए. एंड देयर वाज कॉन्स्टेंटली वॉर बिटवीन देम. इसके लिए उनके बीच में लगातार युद्ध भी हो रहे थे. अराउंड 7th century CE हर्षवर्धन, अ पावरफुल किंग ऑफ थानेश्वर इन द नॉर्थ. और इसी बीच एक बहुत ही, उत्तर भारत का एक बहुत ही पावरफुल किंग जो कि हर्षवर्धन था, कंक्वर्ड दिस स्मॉल किंगडम एंड एस्टैब्लिश्ड अ न्यू पावरफुल एम्पायर. तो उसने इन छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स को, राज्यों को हरा के एक बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश किया नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में. सो नाउ विल कंटिन्यू विद हर्षवर्धन. तो अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.